ये जी हमारे गांव का आरा मशीन है और इसके अंदर एक पुराने दौर का इंजन लगा हुआ है। उसके अलावा इसमें आटा पीसने वाली चक्की है, उसके अलावा गंदम सफाई की मशीन लगी हुई है। तो चलें अंदर चल के देखते हैं कि क्या सीन है इसका। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक अजमी और आप देख रहे हैं KGPG व्लॉग। दोस्तों ये जो सामने आप इंजन देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना इंजन है और ये ऑलमोस्ट 1978 का इंजन है। तो ये उस दौर में लगा था और इस पे दाने आटा मतलब आटा पीसने वाली चक्की थी, ठीक है, वो इधर लगी हुई है। तो पहले ये मैनुअल स्टार्ट होता था, इसको मतलब ग्रिप लगा के दो से तीन हैंडल के साथ दो से तीन लोग स्टार्ट करते थे। तो फ्रेंड्स आए आपको दिखाते हैं कि ये पहले कैसे स्टार्ट होता था। ये सामने सफ़ेद कपड़ों में अजमल भाई खड़े हैं और ये देखें इसको ग्रिप करेंगे हैंडल से, और ये दो भाई इस तरफ से और राशिद दूसरी तरफ से। ये काफ़ी ज़ोर से इसको घुमाना होता है और काफ़ी ज़ोर से घुमाने के बाद ये अजमल भाई ये बैक साइड पे इसका वाल लगा हुआ है, ये इसको डाउन करेंगे। इसको प्रेशर दिया और प्रेशर देने से ये स्टार्ट हो जाता है। और ये देखें फ्रेंड्स इंजन स्टार्ट हो गया, बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त। तो अभी अजमल भाई ने इस इंजन का सेल्फ स्टार्ट ईजाद किया है जो कि सारा उन्होंने खुद से किया है, और ये इंजन एक क्लिक से स्टार्ट हो जाता है। तो चलें आपको दिखाते हैं कि ये इंजन अब कैसे स्टार्ट होता है और क्या ही ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने। ये राशिद भाई और इनके बड़े भाई अजमल भाई, इन्होंने खुद से ये तरीका ईजाद किया है कि ये हवा का प्रेशर दे के इन्होंने सलफ इसका बनाया और ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो चलें अभी ये स्टार्ट करने लगे हैं, तो देखते हैं ये कि क्या सीन है इसका, कैसे ये स्टार्ट होता है। राशिद भाई बताएं साथ में। ये स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, वाह वाह वाह, ये जी जस्ट इन्होंने हवा का प्रेशर दिया है। अच्छा, ये इन्होंने जस्ट हवा का प्रेशर दिया है। इसके अंदर ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं इसके अंदर हवा है, आम हवा है, कोई और खास हवा नहीं है। हाँ हाँ, और ये इस दोबारा इसी इंजन से हवा भी इसमें बनती है। हाँ जी, ये प्रेशर भी बता रहा है, देखें ये भी टैंकी फुल हो रही है। अच्छा खासा प्रेशर है, अच्छा खासा प्रेशर है। और इस इंजन से आरा मशीन चल रही है जिसको ये लोग लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, चराई वगैरह का काम करते हैं, और माशाल्लाह से ये इस हुनर में काफ़ी माहिर हैं, बचपन से काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। और इसके अलावा तेल निकालने वाली मशीन भी लगाई है इन्होंने जिसको कोलू कहते हैं। ये सामने देखें आप, फ्रेश फ्रेश और बिल्कुल नेचुरल ऑयल तैयार हो रहा है, और ये तारा मीरा और सरसों का तेल इस पर तैयार होता है। और उसके अलावा ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से इसका तेल निकल रहा है और दूसरी साइड से इसका वेस्टेज निकल रहा है, लेकिन मैं इसको वेस्टेज बिल्कुल नहीं कहूँगा, वो इसलिए कि ये खल तैयार हो रही है जो कि जानवरों के लिए चारा वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है जिससे उनकी नशोनुमा काफ़ी अच्छी होती है। और दोस्तों इस इंजन पर इन्होंने जनरेटर लगाया है जिससे सारी मशीनें चल रही हैं ये, और फ्री में बिजली तैयार हो रही है। तो चलें आपको दिखाते हैं कि जनरेटर कैसे चलता है। ये भी इससे ये जनरेटर चलेगा और इससे ये बिजली बनेगी और उस बिजली से ये मशीन चलेगी आटा पीसने वाली। एक मिनट चले आए देखते हैं ये। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जनरेटर है और ये उस इंजन के साथ अटैच है और ये उसके साथ चल रहा है, इसके साथ ये बिजली बन रही है, इस बिजली से ये मशीन चल रही है आटा पीसने वाली, ठीक है। इसमें आपको दिखाता हूँ ये दाने हैं, ये आप दाने देख सकते हैं, और वो जो सामने आप मशीन देख रहे हैं वो मतलब सफाई करने वाली मशीन है। तो ये बिजली इससे तैयार हो रही है, ये वाली बिजली इससे तैयार हो रही है, ये वाली बिजली।
और ये इस बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, ये इससे चार हो रही है और ये फ्री में चल रही है, ठीक है, फ्री में चल रही है और माशाल्लाह सब इन्होंने खुद इजाद किया। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।